आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग आए हैं सिंगापुर की एक और खास जगह। तो क्या आप गेस कर सकते हैं ये जगह कौन सी है? आज हम लोग यहाँ करने क्या आए हैं, चलिए बताते हैं। वैसे अगर आपने गेस कर लिया है कि हम कहाँ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग आए हैं ईसीपी और हम लोग यहाँ करने वाले हैं बारबेक्यू। सिंगापुर में ऐसा है कि आप कहीं पे भी आग नहीं जला सकते, उसके लिए स्पेसिफिक एरिया बने हुए हैं। तो जैसे कि ये ईसीपी है और ईसीपी में बहुत सारे बारबेक्यू पिट हैं जिसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। तो हमने एक अपने लिए पिट बुक किया हुआ है पहले से ही, तो अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, फिर आगे का खाने पीने का बंदोबस्त वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बारबेक्यू पिट है उसके लिए एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, लाइक 2 मंथ्स बिफोर, नहीं तो आपको जो पिट है वो अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप यहाँ का क्राउड देख के समझ सकते हैं कि लोग कितने क्रेजी हैं यहाँ पे बारबेक्यू को लेके, तो हमेशा ये जो होता है वो फुल ही रहता है। ईसीपी जो है वो एक्चुअली में ईस्ट कोस्ट पार्क इसका नाम है, और यहाँ पे आपको ये दिखेगा नीला समंदर, और देखिए समंदर में बहुत सारी आपको शिप दिख जाएंगी कमर्शियल वाली, और फिर ये हरा भरा पूरा पार्क है। लोग यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ऑफ कोर्स बीबीक्यू करते हैं, क्योंकि हम लोग बीबीक्यू के लिए आए हैं आज। पेड़ लोग अपना यहाँ पे टेंट लाते हैं और आराम से टेंट में सुबह से आ जाते हैं, बहुत धूप होती है तो टेंट के अंदर रेस्ट भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और हमारा बीबीक्यू पिट रेडी है या नहीं चल के देखते हैं अभी हम लोग। एक्चुअली हम लोग थोड़े लेट हो गए थे, हमारे फ्रेंड्स यहाँ ऑलरेडी आ गए थे तो उन्होंने बीबीक्यू पिट जो है वो रेडी कर लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बीबीक्यू पिट, ये देखिए हमारा बीबीक्यू पिट रेडी है और इस पे ये बन रहा है, क्या बन रहा है अभी, ये चिकन बन रहा है। और इधर आपको कौन दिख जाएंगे, और मस्त चिकन पकड़ा है यहाँ पे। हमारा एक राउंड का स्टार्टर खत्म हो गया है, उसमें हमने चिकन और पनीर और कॉर्न जो आपने देखा पकते हुए वो सभी खा चुके हैं। अभी नेक्स्ट राउंड हमारा चलेगा रैप का और उसके बाद फिर मेन कोर्स। वैसे आपको पता हो या ना हो लेकिन मैं बता देती हूँ कि सिंगापुर का नेशनल डे आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, जो कि है 9 अगस्त को, और उसके लिए यहाँ पे नेशनल डे की जो तैयारी है परेड की वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो मेरे पीछे अभी यहाँ पे नेशनल डे परेड की तैयारी हो रही है, लेकिन शायद वो कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है। मुझे तो दिख रहा है वहाँ पे फ्लैग्स वगैरह और फाइटर जेट्स वगैरह, बट शायद यह इसमें नहीं दिखेगा। वैसे मेरे पीछे आपको लोग यहाँ पे फिशिंग करते हुए भी दिख रहे होंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि यहाँ पे आइए फिशिंग कीजिए, मछली को पकड़िए, बीबीक्यू में पकाइए और उसको आराम से खाइए। तो फाइनली मैं अपना रैप बाइट ले रही हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी देर से क्या पक रहा है ऐसा, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आज का हमारा स्पेशल चंपारण मटन है। तो ये स्लोली स्लोली कुक हो रहा है और हमारे डिनर टाइम तक ये रेडी हो जाएगा। तो हमने इसमें सब कुछ मैरिनेट करके आराम से इसको पैक करके इस पे डाल दिया था और एकदम स्लो आंच पे हमने इसको रखा है ताकि ये आराम से कुक हो सके। फाइनली आज का हमारा ये बीबीक्यू यहीं खत्म होता है और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो भी आग जल रहा था उसको पूरी तरीके से पानी डाल के यहाँ पे
उसको बुझा दिया है, क्योंकि आग जलते हुए हम लोग नहीं जा सकते हैं। आसपास आप देख सकते हैं इतने सारे पेड़ पौधे हैं, तो कुछ भी होने का खतरा है। तो अच्छे से हमने इसको बुझा दिया है और हमने पूरा जो एरिया है उसको भी क्लीन कर दिया है। अब कुछ भी नहीं है, कुछ समय पहले तक यहाँ पे काफ़ी कुछ बिखरा हुआ था, तो हमने सब क्लीन कर दिया है। और अगर मैं ECP को समराइज करूँ तो ये बहुत ही हैपनिंग जगह है, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो कोई भी यहाँ पे बोर नहीं हो सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग काफ़ी फन एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना गिटार लेके आए हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों ने डिनर भी कर लिया है और अभी म्यूजिक चल रहा है उन लोगों का। आई डोंट नो वो लोग पूरी रात यहाँ रहने वाले हैं या क्या, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ है। लोग अभी भी साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। उस तरफ मैं गई थी, उधर मैकडी है, खाने की कुछ और भी शॉप्स हैं, और पास में एक बहुत ही अच्छा किड्स के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो बच्चे वहाँ पे भी इंजॉय कर रहे थे। तो ओवरऑल आप यहाँ आके बोर नहीं हो सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये BBQ स्पेशल वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।